बैक टू बैक मैं कुछ केमिकल शेयर्स डिस्कस करना चाहूंगा किरण जी, सबसे पहले बताएं बोडल केमिकल्स इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? बोडल केमिकल में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। आज वैसे भी केमिकल क्षेत्र के सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इधर एक अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। बोडल केमिकल ऑल टाइम हाई क्रॉस करता नजर आ रहा है, 118 117 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट सबको 122 124 के आज ही ट्रेड देखने को मिल जाने चाहिए, पर मेरा मानना है कि इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। आईजी पेट्रोकेम अगर आप इसको ट्रैक कर पाए, आईजी पेट्रो आज इस गिरते बजार पे एकदम से रिवर्स ट्रेंड है, बिल्कुल 7% के आसपास की तेजी दिन के उच्चतम स्तर पे, क्या करें इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट की तौर पे ये बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। एक अच्छे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिला था करीबन 169-170 लेवल्स पे, और उसके बाद वो ऊपर गया और वापस उसी उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करते ये स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है, तो ये एक मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 174 का, और टारगेट्स बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी 185-187 इमीडिएट देखने को मिल जाने चाहिए, पर जैसे ही ये ओपन ब्लू स्टार टेरिटरी में चला जाएगा तो मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। एक शेयर अब तक किस स्तर पे पहुंचा है, थिरुमलाई केमिकल, लगातार वन वे ट्रैक पे ये पर्टिकुलर स्टॉक, क्या करना चाहिए सर थिरुमलाई पे? सारे केमिकल के स्टॉक्स रजत जी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऐसा ही है, पर अभी बाय करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल नेम में नहीं बैठ रहा है। पर अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो उसके लिए बाय करने की सलाह होगी 480 के स्टॉप लॉस, 515-518 के टारगेट्स के लिए आज के लिए। पर अगर किसी के पास है तो बिल्कुल ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, 460 के ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लेवल होगी। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन सकती है? मार्केट बहुत इंडिसाइसिव है, इस दरमियान अगर दो शॉर्ट और एक लॉन्ग करने की सलाह है, पहला तो शॉर्ट करने की सलाह है जस्ट डायल पे, जहां पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 474 का होगा और टारगेट 456 के होंगे। दूसरा होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बहुत ही अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ ये स्टॉक नीचे जा रहा है, 1060 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, टारगेट्स के लिए 1130 देखने को मिल जानी चाहिए। जेबी केमिकल्स ये एक मेरा बाय कॉल रहेगा, जहाँ पे आज 352 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट्स के लिए 374 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए ठीक है, फाइनली आपने भी एक केमिकल स्टॉक चूज करी है, इनफैक्ट केमिकल फार्मा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जेबी केमिकल। लेकिन सर अब ये दो स्टॉक्स बताएं, एक तो वीटो स्विच गियर, अगर आप ये देख पाए वीटो स्विच गियर, क्या आपको लगता है डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसको खरीदने का कौन सा स्तर अप्रोप्रिएट होगा? डाउनवर्ड चैनल का बिल्कुल कर रहा है, पर इसके लिए इसको 128-129 के लेवल्स, जो कि आज के टॉप के लेवल्स है, उनको क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। प्रोबेबिलिटी है कि ये मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए, अगर ऐसा 128-129 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो नेक्स्ट टारगेट्स 134-142 ये दो लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। वक्रांगी आज ब्लॉक डील के बाद आईटी सेक्टर में उतनी ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन ये स्टॉक नए लेवल छूने की कोशिश कर रहा है, वक्रांगी पे आपकी राय? बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है रजत जी, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है और इस पे बिल्कुल निवेश करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से इसका नेक्स्ट टारगेट आता है करीबन 226 का, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से होगा, पर मेरा मानना है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा आते दिनों में। और एक स्टॉक और देखिए, गोदरेज कंज्यूमर्स वायदा कारोबार का हिस्सा, लेकिन ये स्टॉक निचले स्तरों से आज कुछ खरीदारी मर्ज हुई है जिसको 2.5% ऊपर ले गए, क्या करना चाहिए सर? गोदरेज कंज्यूमर में बिल्कुल आज अच्छी रुझान दिखाई दे रही है, पिछले दो दिनों में भी हमने देखा था कि वायदा कारोबार में बहुत अच्छी मूव हमने देखी थी, जहां पे मार्केट नीचे जा रहा था ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। अभी भी ये मार्केट निचले स्तरों के करीब ही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है, अगर मार्केट का सपोर्ट मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखता है। मुझे लगता है कि आज अभी अगर बाय करते हैं तो ट्रेडिंग की सबसे 1685 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर पोजिशनल व्यू है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 1700 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए मैं 1638 के स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ।